लो गाइस, तो हम जा रहे हैं पानी के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबका स्वागत है इस उत्तराखंड ब्लॉग में। तो गाइस, आज हम पानी भर रहे हैं क्योंकि हमारे घर में पानी नहीं आता। गाइस ये देखो गाइस, मेरे कामचोर मामा भी आज पानी भर रहे हैं पहली बार। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब? आशा करता हूँ भगवान बद्री बिसार की कृपा से आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और अभी तक हम लोग ला रहे थे पानी और बच चुके हैं 9:30 पानी लाते लाते। हमने पानी गर्म करने के लिए अंगीठी में, और मेरी माता श्री कब से कह रही है कि यहाँ पर चूल्हा लगा ईंटों का। तो दोस्तों, मैं कुछ दिन बाद यहाँ पर ईंटों का चूल्हा लगाऊंगा। और यहाँ पर यह है स्टैंड पोस्ट, यहाँ पर हर घर जल हर घर नल लगा हुआ है, लेकिन टैंक ना बनने के कारण अभी पानी नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग ऐसे ही काम चलाते हैं, कभी ऊपर नाने और के यहाँ से लाते हैं पानी, तो कभी नीचे नाने और के यहाँ से लाते हैं पानी। अगर कभी पानी नहीं आया तो हमारे यहाँ एक स्रोत का पानी भी है, धारा, तो वहाँ से लेके आते हैं हम पानी। और बस कुछ इसी तरह चलता है हमारा रूटीन। तो मौसम की बात करें तो भगवान सूर्य देव भी दर्शन दे चुके हैं, और सामने पहाड़ों पर आज एकदम क्लियर मौसम हो रखा है, और सामने के गांव भी कितने प्यारे से दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और सबसे जो नीचे वाला गांव है ये है धेणी, उसके ऊपर राणा कोट है, और इसके ठीक सामने कोटा गांव है, और ठीक उसके ऊपर ये बकोड़ा गाँव है, और बकोड़ा के ठीक यहाँ पर ये सेमन गाँव है, और ये है दोस्तों पालीखाल मार्केट, और इसके ठीक नीचे ये दोस्तों पाली गांव है, और यहां पर है शिवालय भगवान जी का मंदिर। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूं मार्केट, और मार्केट से मुझे लेने हैं सामान वगैरह, साग सब्जी वगैरह लेने के लिए। जेठे आ गया घूमी दे, कल तक गया? अच्छा, रोज सुबह? तो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ मार्केट और मेरा कुछ काम है। तो दोस्तों, हमारे घर से लग जाती है खतरनाक ये वाली चढ़ाई, और यहाँ पर सांस भी फूलने लग जाती है। यह है हमारे गांव की प्राथमिक विद्यालय, और सामने है हमारा गांव। तो दोस्तों, ये है हमारा पालीखाल का एक छोटा सा मार्केट, और मैं पहुंच चुका हूं पालीखाल में।
तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं पालीखाल में और यहां पर है मेरे फ्रेंड कन्नू भाई की दुकान और यहां पर दीपक भाई हमारे चंदी भाई की कटिंग करने पे लगे हुए हैं। और चंदी भाई के बाद ना आए क्या है? वाह यार दीपक, हाँ पैसा बचाऊंगा ये बात करी बूढ़े देखना या मस्त कटिंग कन्नू भाई। और ये हमारे रोहित भाई और ये मामा जी और कन्नू भाई, ये हमारी बॉडी बढ़िया। तो दीपक भाई काफी अच्छी कटिंग करने पे लगे हुए यहाँ पर, बिल्कुल जीरो कटिंग है कन्नू बढ़िया जी। यार क्या मशीन क्या गया चंदी भाई जी और चंदी भाई को सपोर्ट करने के लिए कि कटिंग ऐसे करो ये करो, क्यों कन्नू भाई है कटिंग आज छोड़ी? हाँ मैंने बोला ये फैशन बिल्कुल कर दिया, फैशन नया फैशन है, सही बात है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं पालीखाल के नीचे। पालीखाल से नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह से ही देता है, सामने खूबसूरत पहाड़ और पहाड़ों पर प्यारे प्यारे घर और सामने बादल लगे हुए हैं। यहां पर ये जो मार्केट दिखाई दे रहा है, यहां पर ये सब्जी खाल है, उसके ठीक नीचे कुंडी गांव, उसके नीचे ली और उसके नीचे पोखरी और उसके सबसे नीचे वाला गाँव धारी गाँव है जो सबसे नीचे गाँव, और उसके ठीक सामने जहाँ पर कटिंग हो रखी है वो देवप्रयाग वाली रोड है और देवप्रयाग के ठीक ऊपर ये टीरी। कुछ इस तरह से है हमारा उत्तराखंड का नज़ारा। तो ये खेत दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, तो दोस्तों ये खेत बंजर नहीं है क्योंकि जब हम लोग बारिश पे ही डिपेंड रहते हैं, जब बारिश होगी तभी हम इन खेतों को बोएंगे। मैं पहुंच चुका हूं सफदरखान राजकीय इंटर कॉलेज के सामने और ये है हमारा राजकीय इंटर कॉलेज। तो हम जब पढ़ते थे तो कॉलेज को देखकर अपने बचपन की याद आ जाती है। तो मैं पहुंच चुका हूं सफदरखान अपने फ्रेंड की दुकान में और ये है अनिल चौहान सफदरखान के। और हेलो दगड़िया, और सब बढ़िया ठीक ठाक? कंचनो काम धाम सब बढ़िया? और सफदरखान का ये है एक मार्केट और सामने है बैंक SBI का। सफदरखान का मार्केट कुछ इस तरह से दिखाई देता है दोस्तों। तो मैं पहुंच चुका हूं सफदरखान में और ये है मार्केट और सामने यहाँ पर है इंटर कॉलेज स्कूल और यहाँ पर ये हमारे स्कूल के बच्चे लोग और आजकल इनके पेपर वगैरह चल रहे हैं। और सामने यहाँ पर एक होटल है जो कि काफ़ी फेमस है, राणा शॉर्ट स्वीप। और ये हमारे पप्पी भाई, हेलो क्या हाल है भाई? ठीक ठाक बढ़िया। और कंचनो काम धाम? बस यार मैं चलो काम धाम लगी फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों हमें मिल चुके हैं यहाँ पर हमारे स्कूल के मित्र पप्पी, या आनंद, जैसे उनका नाम आनंद है वैसे पप्पी बोलते हैं। और इनका गाड़ी का काम है, गाड़ी चलाते हैं ये गाड़ी सामने खड़ी है। और पप्पी भाई की गाड़ी सामने खड़ी हुई है। तो यार क्या मजे से है ना इसके लिए देना चाहे समोसे, सबसे फेमस दुकान। हाँ समोसा बनाते हैं बड़े बड़े समोसे, रेट भी सही है इनका। हाँ मात्र 15 रुपए। तो ये जो रोड दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये पक्की वाली रोड ये है, ये ब्रैक के लिए जाती है रोड और ये पौड़ी के लिए। जी नमस्कार, क्या हाल चाल? ठीक ठाक सब? चकाचक बड़े भाई जी। तो दोस्तों हम बैठ चुके हैं सफदरखान राणा शॉर्ट स्वीप की दुकान में और ये है हमारे भाई लोग, सब मित्र है, चाय के चाय का आनंद ले रहे हैं और मस्त कर गई। निकल चुका हूँ घर के लिए सफदरखान से और कुछ इस तरह से था हमारा सफदरखान का प्यारा सा मार्केट। और वहाँ पे मुझे मेरे स्कूल के फ्रेंड लोग मिले, उनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मस्त मज़ा आया, हम लोगों ने चाय वगैरह पी और मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ मार्केट से घर और बच चुके हैं यहाँ पर 2:30
हो चुका है लंच करने का टाइम और मम्मी ने बना रखा है यहाँ पर दाल चावल और हरी सब्जी। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बद्री प्रसाद।